ये आपके सामने बजट 2023-24 का डॉक्यूमेंट खुला हुआ आप देख सकते हैं। इसकी पहली लाइन में बजट 2023-24 लिखा भी हुआ है। ये असेंबली में यही डॉक्यूमेंट रोटेट किया गया है। इसके अंदर एक तो पे इंक्रीज है, ये पॉइंट ए में कि कितनी पे इंक्रीज हुई है प्रोविंशियल लेवल पे, यानी सूबाई जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी पे है। ठीक है, ये सूबाई डॉक्यूमेंट है, ये फेडरल नहीं है। ये एक चीज़ आप क्लियर कर लें, सूबाई यानी प्रोविंशियल हमारे जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफ़ा हुआ है, ये पॉइंट ए है। और ये आगे पॉइंट बी, पेंशनर्स हैं सूबाई, उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ही सूबाई मुलाजमीन के लिए, इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो इसके बाद डी है स्पेशल कन्वीनस अलाउंस, उसके बाद ऑर्डरली अलाउंस। ठीक है, डेपुटेशन अलाउंस एफ़ में है। तो ये चीज़ें हम देख लेते हैं इसको क्विकली। तो ए में जी 35% जो है पे इंक्रीज़ हुई है गवर्नमेंट मुलाजमीन जो हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लाईज़ उनकी तनख्वाह में, BPS 1 to BPS 16। ठीक है, और 30% जो है वो पे इंक्रीज़ हुई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लाईज़ की फ्रॉम BPS 17 and above। BPS 17 और अबव वालों की 30% जो है वो पे इंक्रीज़ हुई है 2023-24 के बजट के अंदर। अच्छा जी, इसके बाद बी पॉइंट इसका है जी पेंशन। पेंशन जो है वो 17.5% इसमें इंक्रीज़ की गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लाईज़ के लिए। ठीक है जी, 17.5% प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लाईज़ में तमाम प्रोविंसेस के मुलाजमीन जो हैं वो शामिल हैं। 50% इंक्रीज़ की गई है ट्रैवलिंग अलाउंस में। ठीक है, ऑफ ऑल प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लाईज़। 100% इंक्रीज़ की गई है स्पेशल कन्वीनस अलाउंस में टू डिसेबल्ड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लाईज़। ठीक है, ये डिसेबल्ड गवर्नमेंट एम्प्लाईज़ के लिए है, सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है। उसके बाद इंक्रीज़ इन ऑर्डरली अलाउंस टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लाईज़ फ्राम ₹14,000 per month to ₹25,000 per month। ठीक है जी, ऑर्डरली अलाउंस जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। और उसके बाद 50% इंक्रीज़ इन डेपुटेशन अलाउंस जो है वो किया गया है टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट एम्प्लाईज़। 100% इंक्रीज़ इन सेक्टेरिएट परफॉर्मेंस अलाउंस। ठीक है, सेक्टेरिएट परफॉर्मेंस अलाउंस में 100% इंक्रीज़ की गई है। एक्सटेंशन ऑफ एग्जेक्टिव अलाउंस टू ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी, ये एक्सटेंशन इसको इसकी की गई है जो पिछले बजट में अप्रूव हुआ था उसी को एक्सटेंड किया गया है। इंक्रीज़ इन मिनिमम वेजेस फ्रॉम 26,000 per month, 26,000 महाना से इसको बढ़ा के 32,000 महाना कम से कम तनख्वाह को कर दिया गया है। ठीक है जी, इंक्रीज़ इन मिनिमम वेज, इसमें मिनिमम वेज को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, 26,000 महाना से 32,000 महाना इंक्लूड कर लिया गया है। और इसमें एनहेंसमेंट ऑफ राशन अलाउंस टू पुलिस एंड जेल्स फ्रॉम ₹681 per month to ₹1,000 per month, यानी 1,000 per month राशन अलाउंस जो है वो पुलिस और जेल्स को दिया जाएगा। ये टोटल यही डॉक्यूमेंट है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है। तो ये आप इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।